चलिए इसके पहले कहाँ बता दिए थे, कहाँ तक बताए थे, निकाले जल्दी से क्वेश्चन दीजिए, लास्ट क्वेश्चन और बनाए थे घर पर अच्छा ठीक है निकाले निकाले जल्दी से। देखिए हमारा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चालू है जिसमें पानी हमारा क्लास हो चुका है, शायद हम कल 58 तक बता दिए थे, 58 या 57 तक बताए थे, इसके बाद इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आइए किताब निकालिए, सुमित निकालिए फॉर्मल। देखिए बहुत टाइम हो गया, खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है, हो गया सुमित देखिए। कल लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक कराए थे, 56, 57, 58। हाँ चलिए 59 से देखें, देखिए तो चलिए 59 देखिए। फिफ्टी एट हो चुका था, अभी कौन सा बता रहा है 59। चलिए 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए 3 cos square 60 डिग्री प्लस 2 cot square 30 डिग्री, 2 cot square 30 डिग्री आई प्लस सॉरी माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। चलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर तो कितना 1/4 और गुना कितना 3 प्लस cot 30 का मान कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 माइनस 5 साइन 45 का मान कितना 1/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/2। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, आगे बढ़ जाए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना 3/4 प्लस 6 और माइनस 5/2, ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है इसमें कोई ज्यादा ये नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 4, ठीक है यहाँ पर डीनी होगा, 6 × 4 = 24 और माइनस 5 × 10 तो 24 × 3 = 27, 27 × 4 = 17, 17/4 = 17/4। ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए रविशंकर लिखे जल्दी से। हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर नोट डाउन कीजिए जल्दी। कभी कभी नेटवर्क अच्छा रहता है, लाइन में अच्छा चलता है, कभी कभी 2 दिन से पूरा वीडियो खराब, दो दिन वाला वीडियो पूरा खराब हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे, आप क्वेश्चन भी लगाएंगे, 1 घंटा रात में हमको टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन एडिट करेंगे, एडिट वगैरह सब करने आता है हमको, ये वाला वीडियो देखिएगा कितना एकदम फ्रेश अच्छा सा आएगा। आइए पूरा क्वेश्चन एकदम बोर्ड पर लगा हुआ रहेगा, एनी क्लासेस ये सारा चीज पूरा अच्छे से इसको 1 घंटा एडिट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर, 60 नंबर देखिए, पाली सो आपका क्यों इतना क्लास अब्सेंट रहते हैं बताइए, अब्सेंट मारिए आप लोग, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है, sec 60 का मान कितना होता है, sec 60, sec 60 2, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 घटाकर 3, अच्छा ठीक, आंसर कितना 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब अच्छा इसमें जा रहा है थोड़ा, हम पुजारी बन गए हैं, रोज पूजा कर रहे हैं कोचिंग में, इसमें अच्छा आ रहा है, आप बोले उसको कीजिए सबसे जो बोले कि जो सबसे ज्यादा स्मेल वाला धूप है वही मेरे को दीजिए, तो दिया है धोनी वाला, चलिए अभी हम सब रूम में अच्छा स्मेल वाला जो ना आता है एकदम पूरा धुआं धुआं कर देता है वो अगरबत्ती ये वाला, अगरबत्ती सर ना जलाना चाहिए क्लास में ना, कहीं खाली दर्शन आता है अगरबत्ती, अगरबत्ती क्योंकि बांस का बना होता है ना, अगरबत्ती मुस्लिम लोग करता है, अच्छा ये भूत पिशाच कहीं ना आ जाए, दूर सही लगता है, अच्छा चलिए वही वाला लेकर क्या थे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, 61, 61 ध्यान दीजिए, बातचीत बाद में कर लेंगे, निशु सॉरी निशा, ये दोनों लोग का नाम मिलता जुलता है, हम बदबू हो जाते हैं बोलते हैं, 1 से tan 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और उसके बाद है sin 60, cot 60 बोले तो x बराबर बात बन जाएगा, चलिए सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x tan 45 1, cos 60 1/2, sin 60 बोले तो √3/2 और cot 60 बोले तो √1/√3, tan 60 √3, cot 60 1/√3, ठीक है, उसको जरा बंद कर दीजिए, तो नितिन यहाँ पर देखिए चमक रहा, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा और ये वाला और ये वाला भी कट जाएगा, तो x बराबर 1, तो आंसर बोले तो कोई है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, 62 बीसी के जैसा है क्या, नहीं बना पाएंगे आप, छोड़ दिया जाए, चले 63 की तरफ चले, चले 62 आपका क्लास वर्क बने तो जल्दी से, हाँ लिखे लिखे जल्दी से, यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है आज, पहले हमारा जब 2018 में वीडियो बनाते थे तो रात में 3-3 बजे तक जब करके वीडियो एडिटिंग करते थे, पहले देखिएगा कोट चश्मा और उसके बाद क्वेश्चन लगा रहता था पूरा रात, हम लोग इंटीग्रिटी कपड़ा दुकान के ऊपर में वीडियो शूट करते थे और वो जो माइक है वाले पर आवाज़ इतना करता था पूरा एकदम रोड पे, बहुत मेहनत किए थे हम लोग लेकिन आज भी किस्मत साथ नहीं दे रहा, देखिए 4 साल से चैनल के लगे हुए, आगे बढ़े इस चैनल को चलाने के लिए देखिए कितना खर्च हो गया, 5000 का माइक और 4000 का वाईफाई, 9000 तो ऐसे हो गया और उसके बाद वाईफाई का रिचार्ज तब से चालू है, आगे देखिए टाइन स्क्वायर 45 डिग्री, आज तुम बॉडी दिखा रहा है ठंडा में, आगे देखिए टाइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, करंट एकदम पूरा, आपको लगता है कि रात भर सब ज्यादा संभाल लेगा, इतना डांस करता है थकता भी नहीं है, 45 cos 45 आ गाना भी लिखता है करण, आ कोई एक गायक इससे गाना भी लिया बता रहा था, आ गाना भी अच्छा अच्छा गाता है, आ पता चला हमको
चलिए आगे बढ़े। टैन 45 एक कॉस 30 रूट 3/2 ठीक है, और यहाँ पर साइन 45 1/√2 और यहाँ पर कॉस 45 1/√2 ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 2 √3/2 और यहाँ पर √2 गुना √2 चार में से तीन जगह कितना 1/4 और यहाँ पर कितना ठीक है 1 आंसर कैसे होगा ठीक है। यहाँ पर कितना 2 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x = 1 तो x बराबर कितना 1/2 होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 63। बहुत दिन से त्रिकोणमिति अजुराए हुए हैं, इसको निपटा दिया जाए अगला सप्ताह, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम ना लगेगा, असाइनमेंट जो पढ़ने लगे ना इसी में टाइम ज्यादा लग जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 63 चले लिखिए 63 नंबर देखिए। तिरसठ देखिए क्या कर रहा है, टाइन एक्स बराबर 3 cot x पूछा है x का वैल्यू ठीक है। अब चलिए अभी यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, cot है तो 1/ tan x लिख सकते हैं 1/ tan x आइए, और यहां पर कितना होगा tan x, तो tan x * tan x मिलकर के कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर कितना 3 ठीक है। तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, रूट इस तरफ जाएगा तो कितना √3 तो tan में कितना डिग्री पर √3 हो 60 तो आंसर कितना 60 ठीक है। √3 tan थीटा में किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो आंसर कितना 60 डिग्री ठीक है। आगे देखिए तीनों लिखा है tan 3/10 हाँ tan x बराबर 3/10 हाँ बोलिए सानी अंजलि का टाइम अभी बाकी है x बराबर हाँ x बराबर कैसे आया tan में √3 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 वो सबका टाइम बिगड़ गया ये बिट्टू धनंजय ये सब लीजिए क्या क्या हो गया देखिए जरा ये किताब कोई लेकर के आइए व्हाट्सएप खोल के चेक करें नहीं नहीं मैसेज आया होगा शायद टच हो गया होगा हम आपका व्हाट्सएप क्यों चेक करेंगे हम आपको बारह कर गया सो बैठे लगता है कि कुछ हाँ सीरीज बैंक का जाना ना पासवर्ड चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64 sin 2a बराबर cos 3a a की वैल्यू पूछा है आपसे, a की वैल्यू आपसे पूछा है, हम इसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखें। हमने आपको क्या बताया था, यदि चेंजिंग रूल एक दोनों एक दूसरे का होगा, साइन किसमें बदलता है कॉस में और कॉस किसमें बदलता है साइन में, दोनों एक दूसरे का क्या होगा चेंजिंग रूल पर आधारित होगा, जैसे साइन कॉस होगा टेन कॉट होगा सेक कॉस सेक होगा, तो उस कंडीशन में इन दोनों का सम कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा 90 के बराबर ठीक है। ये सब बताए हुए थे, चलिए इधर लिख लीजिए, चलिए पूरा लिख लीजिए साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बोले तो कितना 90 डिग्री, सिमिलरली टैन थीटा 1 और कॉस थीटा 2
तो थीटा वन प्लस थीटा टू का वैल्यू 90 डिग्री। आगे सेक थीटा वन कॉस थीटा टू, यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन पांच बराबर कितना 90, पांच से काट लेंगे तो ये का मान कितना निकल गया 18 डिग्री, ये का मान कितना निकल गया 18 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चले हो गया। चले 65 नंबर क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, लास्ट में बताया जाएगा। आगे बढ़े। सेट रिगार्डिंग लिख लिए। आकाश लोग के लिए भी है, बिना सेट का तैयारी अधूरा है, आप थक रहे हैं, हमको भी पापा को, इसलिए आप लोग सेट मारिए। 5 साल बाद कुछ नहीं होगा, कहेंगे बेवजह 4 साल गए और घूम करके आए। आप लोग जितने दिन से जुड़े हैं अब तक सेट मारे होते तो अब आपका तैयारी हो जाता, आपका रिजल्ट आने लगता इस इतने टाइम में। बिना सेट मारने से जॉब नहीं होगा, जितने दिन से आप यहाँ पर जुड़े हुए ना, अब तक रेगुलर सेट मारते तो आप लोग का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता, रिजल्ट आने लगता। आज सेट ना मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहिए। ये तो हम बेचारा टीचर जो आपको इतना गाइड कर रहे हैं, बाकी टीचर कोई मतलब नहीं है, टाइम वाला निकलो निकलो, दूसरा बेचारा। आगे देखिए, आइए साइंस आज आपकी ही बात सुना जाएगा, लेकिन सेट मारना है, ठीक है। आप लोग जो पैसा बोलेंगे उसी पर सेट चलाया जाएगा। हाँ ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं, चले कंटिन्यू किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये याद है कुछ फॉर्मूला, याद है जीरो साइन, ध्यान दीजिए जीरो कैसे होगा, साइन ए माइनस, देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन ए अच्छा लिखवा देते हैं, चलिए लिख लीजिए फिर ना लिखवाए तो लिखे। इधर ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस डी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पहला हो गया। दूसरा साइन ए माइनस बी क्या है, ये फॉर्मूला है साइन ए, कोई और है अगर बढ़िया बहुत बढ़िया, नया नया सब पहन करके और स्टाइलिश बाल वाले आदमी, तुम 10 बजे आया करो कल से, जिसके ऊपर हमको भरोसा था कि इसका जॉब लग जाएगा वही बिगड़ गया, यह बिगड़ गया। इसके पहले 5 लड़की लोग एकदम पूरा तैयार में जान दीजिए, लाइक कर दीजिए, 5 लाख चले वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ सुमित का भी वही है, सुमित का भी कहानी खत्म हो रहा है, सब आदमी जो लोग भी है, हमको भरोसा था कि जॉब हो जाएगा। देखिए क्या बज रहा पहले नहीं है, पहले आ गया है तुम, पहले नहीं है, पहले ये पहले है, ये हमको भी पगला दे रही। साइन है इनटू कॉस बी माइनस कॉस है इनटू साइन बी, फॉर्मूला है आगे लिखिए। चलिए अभी कॉस वाला आएगा तो लिखवाएंगे, एक ही बार लिखवा देने से फिर दिक्कत होगा, जैसे जैसे आएगा टर्म वैसे वैसे लिखिए, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए।
फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, जैसे जैसे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। एक ही बार लिख देंगे फिर ना हो पाएगा, ना मानेगा तो ना सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। आठ बजे तुम्हारा टाइम है तो इतना लेट आ रहा है, इतना क्वेश्चन छोटा कहाँ से भरपाई होगा। साइन ए माइनस बी है, हर जगह ए बी है, गुना है, ठीक है। सत्तर तक पहुँच रहे, जल्दी से कीजिए लिखे दो लाया है, इसीलिए तो तुमको हम इंतजार कर। चलिए तुम खाली किताबें ढो ढो चलिए, हम तो आपका मजा ले रहे हैं, बाद में समाज वाले लेंगे आपका मजा, गोतिया लेंगे लोग, इतना तो लेंगे। कहाँ पर आप होगा, कहाँ पर आप होगा सुमित कुमार, इसका जरा ध्यान दीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसे ही बदनाम है। गलत है, ये दूसरा क्वेश्चन का लिख दिए, साइन 60 नहीं होगा, साइन 30 होगा, हाँ वहाँ 30 होगा, साइन 30। अच्छा साइन 30 ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए समझिए। देखिए आप ठीक है, मिलाए तो जल्दी से, हाँ चलिए आप समझिए। देखिए साइन यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला, देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ए का मान 60 और बी का मान 30, माइनस कॉस है, कॉस है ए 60, साइन बी बी 30, ठीक है। तो ये पूरे के बराबर हम क्या लिखेंगे, पूरे के बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरे के बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए का मान कितना 60 और बी का मान कितना 30, तो 60 में से 30 जाएगा कितना, साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो आंसर कितना 1/2, ठीक है। हाँ तो इसको पहले लिख लीजिए, एक बार इसको लिखिए, बड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है प्रभाव आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, पहले तुम धनंजलि को लिखो, अभी तो 55-56 से कंटिन्यू है, 7-8 क्वेश्चन हो गया, 56 तक 55 तक वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा आज रात में 2 बजे अपलोड होगा, जाम बहुत ज्यादा हो गया। चलिए इसको ध्यान दीजिए, 66 नंबर 62 में देखिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देखो इधर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये पूरा का बराबर क्या होगा, साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30, तो 60 में से 30 जाएगा कितना 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो आंसर कितना 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, देखिए ये तो फिर बन जाएगा 66 बन जाएगा, छोड़ दिया जाए, tan 30 डिग्री कॉसेक 60 90 कैसे जोड़ दिया, कॉसेक 60 tan 60 डिग्री और उसके बाद sec 30 डिग्री, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत ए रहा आपके सामने। चलिए हाँ इधर ध्यान दीजिए, हाँ कुछ बोल रहे हैं नहीं साहब,
हाँ ये इसको ध्यान दीजिए, टैन 30 बोले तो 1/√3, cosec 60 बोले तो 2/√3, बहुत बढ़िया। आप प्लस टैन 60 बोले तो sec 30 बोले तो sec 30 बोले तो cos 30 √3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये सब tan 30 1/√3, cosec 60 2/√3, ये सब वैल्यू याद करने के लिए दिए थे। tan 60 √3, sec 30 2/√3। आप देखिए इसको काट लीजिए, ये वाला और ये वाला कट जाएगा जी सर। यहाँ पर कितना 2/3 और यहाँ पर कितना 2, चार्टाइज करके लिख लीजिए 8/3, तो बोले तो 2 पूर्णांक 2/2 अच्छा चलिए, तो पूर्णांक में तो 3 × 6 = 6 × 8 8/6 = 8 3 × 6 = 8 8/3, ठीक है। चलिए हाँ मिस्टर दिक्कत है कहीं पर, चलिए आगे। आगे बढ़े, आज सारे लोग हमारे घर पर देखिए मैडम आ जाती है 15 दिसंबर तक, तो बर्थडे हमारा लाडो का रहेगा, सारे लोग आइएगा हमारे घर पर, गर्ल्स टीम भी और बॉय टीम भी, ठीक है। हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि इन्हीं को स्पेशली बोलने में प्रिय होगा, पूरे क्लास में ही बोल रहे हैं आपको, तो सभी लोग आइएगा, ठीक है। हमारे घर पर बंद हो गया, हाँ 15 दिसंबर सब लोग हमारे घर पर पहुंचेगा, कभी गरीब आदमी के घर पर भी आइए, शोभा बढ़ेगा। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं सुमित का भी बर्थडे है, चलिए सुमित का बर्थडे है पर हम लोग मना लेंगे, फिर लाडो का बर्थडे घर पर। आगे देखे sin² 30 डिग्री, आप लोग घर पर बोल दीजिएगा कि जाना है, sin² 30 डिग्री, cos² 45 डिग्री, cot² 30 डिग्री प्लस हाफ sin² 90 डिग्री, हमारे साथी में हमारे कोचिंग के बहुत सारे लड़के लोग गए हुए थे हमारा जो तिलक खान दिन बाद लोग गए थे बराक से नहीं लड़की लोग का भी थोड़ा सा फाउंडेशन होता है ना, घर वाले थोड़े ना बारात जाने देंगे कि मास्टर साहब के बाराती में तुम गया। हाँ लड़के लोग का कोई फाउंडेशन नहीं होता, ये लोग तो मतलब दो दिन बाद भी आएंगे तो कोई दिक्कत, तो हम तो बुलाने के लिए अभी मतलब बोलेंगे, उस टाइम आप लोग नहीं थे शायद हमारे पास, उस टाइम पूजा पड़ती थी आपके गाँव के सर पास। 2019 मार्च में 7 मार्च 2019 कुछ स्पेशल चीज याद ही हो जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, sin² 30 बोले तो sin 30 बोले तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। tan² 30 का मान 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/3, sin² 90 और sin 90 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/1, cot 60 का मान कितना, cot 60 का मान कितना 1/√3 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/3, अभी बीम का जोड़ घर से बना करके लाना है। चलिए हम इसको सेपरेट जरा सजा देते हैं, वीडियो बना दीजिए सर वीडियो। चलिए आप घर से मतलब बना करके एलसीएम लेकर के आइएगा, ठीक है।
एक बार चेक कर लीजिए कि सारा डाटा लिखा हुआ सही है। ठीक है चलिए आगे देखें। इसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है इसलिए आगे बढ़े। इसमें देखिए लाइट वगैरह लगा हुआ थोड़ा वीडियो ठीक ठाक आता है, उसमें पूरा काला काला था इसीलिए। हाँ उसमें लाइट लगवाए। चलिए हाँ दो आंसर है ठीक है, आप लोग बना लेंगे घर से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आर्सर देखिए आर्सर ये हाँ इधर ध्यान दीजिए। cos 60 cos 30 आइए बहुत बढ़िया अंजलि साथ में है आपके, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो भी। sin 60 sin 30 ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट cos a प्लस बी हाँ ध्यान दीजिए इधर, आप लड़के लोग का मुड़ी जोड़ जाने का आदत बड़ा पुराना, शादी के बाद भी शादी से पहले आज जिस दिन मुड़ी जुड़ा उस दिन बर्तन वगैरह अलग होगा, कहेगा कि हमर फुलहा बर्तन है हमर पितरिया बर्तन है। कौन करेगा अभी तक नहीं जाने आप कौन करेंगे, कोई भी घर में अलगाव किसके कारण होता है, लड़की क्यों करेगी, कोई भी घर में अलगाव किसके कारण होता है, बेटा मां से अलग। मेरा चम्मच है मेरा गिलास है, आपके घर के छत पर हाँ आपके घर के छत पर दो लेडीज बात कर रहे हैं तो सोचिए कि घर में संकट आने वाला है, इसलिए घर का छत थोड़ा ऐसा बनाइए कि कांटेक्ट ना हो। आगे बढ़े। चलिए बात शिकायत की है तो अब तो मरना ही पड़ेगा। आगे बढ़े करेगी नहीं हाँ जन्म से अधिकार है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, इसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस जीरो आएगा। ए प्लस बी इसको लिख लीजिए। एक आ रहा है चलिए ये तो ऐसे बनाया हुआ है ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर इसको माने हैं ए और इसको माने हैं बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस है तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए का मान कितना 60 डिग्री और बी का मान कितना 30 डिग्री, कॉस 60 30 90 90 तब कॉस 90 बोले तो जीरो 90 बोले तो जीरो, तो आंसर कितना 0 डिग्री, आंसर 0 0 है 68 0। चले 69 रुकिए सर अभी लिख दीजिए मिटा दे यस सर नहीं सर समझना नहीं लिखना छापना अब समझा दीजिए। चलिए देखिए cos a plus b बराबर क्या होगा cos a into cos b minus sin a into sin b, cos a minus b बराबर cos a into cos b plus sin a into sin b, इसको हमने a माना और इसको b माना तो क्या बन गया cos a into cos b minus sin a into sin b हो गया yes. तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे cos a plus b, तो cos 60 plus 30 60 plus 30 बोले तो 90 तो cos 90 बोले तो 0 डिग्री ठीक है yes, आगे बढ़े। नेक्स्ट अभी टाइम है अभी 70 पहुंच जाएगा आगे, अब कितना बज रहा है 15 मिनट में तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े चलिए
वीडियो चल रहा है तो नीचे उधर से चल नेक्स्ट अच्छा जाने दीजिए बिल्डिंग का सारा किसे का 69 आप भी सर गाना गाएंगे कला करेंगे और मैट भरते नहीं यार तो सुबह गाना करता आज पर गाना करता वही जहां ब्लैक बनने का जगह हां जरा दीजिए डन टाइम 30 डिग्री 1 प्लस टाइम 60 डिग्री टाइम 30 डिग्री चले ध्यान दीजिए इधर हाँ ध्यान दीजिए आगे बढ़े देखिए टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी ए डायरेक्ट फार्मूला पर है ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं फार्मूला नहीं आ रहे तो दोनों तरीका से हम आपको बता देते हैं आगे देखिए दोनों तरीका से हम आपको बताते हैं टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा टैन ए प्लस टैन बी और उसके बाद 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी ठीक है दूसरा है टैन यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए माइनस रहता है ठीक है ऊपर में प्लस ही रहता है ठीक है उसको सुधार लीजिए जरा अब आगे देखिए यहाँ पर टैन ए माइनस बी क्या होगा टैन ए माइनस टैन बी वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला से ही बनाए यहाँ पे डायरेक्ट एंगल की वैल्यू रखिए और सोल्व कर लीजिए ठीक है हाँ वो वैसे भी कर लेंगे चलिए फॉर्मूला ठीक ठाक है ये ऐसे बनाया चलिए दोनों तरीके से हम आपको बता देते हैं लिख लिए टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी बटा वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी टैन ए माइनस बी बराबर क्या होगा टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी देखे नोटबुक में लिखवाए हुए स्टार्टिंग क्लास में ये सब ठीक है चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस है तो माइनस ये वाला माइनस इसमें आई है इसको हमने क्या माना है ए और इसको क्या माना है बी तो टैन ए माइनस टैन बी बट वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे इसके बराबर क्या लिखेंगे टैन ए माइनस बी टैन ए माइनस बी तो टैन ए का मान कितना है 60 60 में से 30 जाएगा तो कितना 60 में से 30 जाएगा तो कितना 30 तो टैन 30 बोले तो 1 बाई आंसर कितना 1 बाई और डिटेल में बनाना चाहते हैं तो सबका वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए जल्दी निपटाना है धनंजय आगे बढ़े चलिए एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट चलिए एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया दूसरा तरीका है टैन 60 रूट 3 टैन 30 1 बाय रूट 3 1 प्लस टैन 60 रूट 3 और 1 बाय रूट 3 ठीक है ऐसा कर अब यहाँ पर देखिए रूट 3 रूट 3 3 माइनस 1 बटा रूट 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वाला कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना 2 बटा रूट 3 जल्दी निपटाओ तुम काहे ऐसे कर रहा है चलिए 70 71 72 सब जुड़वा भाई है 70 71 72 70 नंबर बनाइए जल्दी से हो गया बिना फॉर्मूला का भी आप बना सकते हैं हाई बन बिना फॉर्मूला का है वैल्यू को रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट हो गया मिटा दे हाँ तो ये सुमित में से लिख लो चलिए 70 70 के एक आएगा चलिए
सत्तर नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टू कॉस स्क्वायर 30, माइनस टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद है माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद है 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बने तो जल्दी से चलिए, कॉट 30 बोले तो रूट 3, और रूट 3 के स्क्वायर 3, 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान रूट 3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, माइनस 3/4 सेक 45 का मान रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30, कॉस साइन का 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ये सब एंगल आपको याद करना पड़ेगा और निकालने के लिए हमने तरीका आपको बताया। चलिए पहले काट लीजिए इसको, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एक लाइन और कर लेते हैं, 3 - 3/2 - 3/2 प्लस 1, ठीक है, देखते हैं। चलिए कहीं दिक्कत तो नहीं है, एलसीएम कितना 2, 3 × 6 - 3 - 3 प्लस 2, ठीक है, -3 - 3 6 कट जाएगा और 1 कट जाएगा, आंसर कितना 1, कैसे आया पता चला? चलिए डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगी। लसा कितना 2, 3 × 6 = 3 प्लस 2, 6 × 2 = 8, 8 में से 6 जाएगा 2। अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्या एक आंसर दे रहा है बिट्टू कुमार? ऑप्शन में एक है, तो हो सकता है आंसर एक हो जाए। 71 नंबर आगे बढ़ा जाए, 71 नंबर इसका सहोदर भाई है, क्या बनाएंगे आप? चलिए अब ये टॉपिक खत्म होने के कंडीशन में आ चुका है, जिसके बाद चलेगा नेक्स्ट टॉपिक एलजेब्रा। बोलिए 48 क्वेश्चन, अगला बुधवार के खत्म हो रहा है हमारा टॉपिक, बुधवार को खत्म हो जाएगा। 71 देखिए, कल आपका क्या चलेगा, मिरर इमेज, 2 cos² 60 degrees, 2 cos² 60 degrees प्लस cos 90 का मान 0, मेरे से पूछो, 3 sin² 45 degrees -3 sin - 3 sin² 30 degrees, 2 cos² आज आपको लग रहा है कि पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? लग रहा है, अब सीरियसली पढ़िए, काफी दिन इस महीने में बहुत ही ज्यादा क्लास डिस्टर्ब हो गया, अब क्लास सीरियसली चलेगा इस साल, ये साल भी निकलने वाला है, क्या कर दिए? चले आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसे बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे देखे cos 60 बोले तो, cos 60 बोले तो 1/2, और 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4, ठीक है, और sin 45 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2, ठीक है, माइनस 3 साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर बोले तो 1/4, कॉस 90, कॉस 90 बोले तो 0, और 0 × 2 बोले तो 0, क्या समझ में आ रहा है? 1/2, ठीक है, और एक पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं है, 2 4 का लसा
चलिए अच्छा चलिए ना, हम कमजोर विद्यार्थी को दिक्कत हो सकता है। दो और तीन दूना छ, ठीक है, छ दो आठ, आठ में से तीन जगह पांच बटा चार दे रहा आ रहा है, पांच बटा चार, इसको पूर्णांक में बदल लीजिए। ठीक है, काटने के लिए कहीं से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सही काटेगा तो आंसर आएगा, ना काटेगा तो जबरदस्ती काटेगा तो आंसर कैसे आएगा? जबरदस्ती होता है कभी कताल होता। बहत्तर नंबर देखिए क्या बनेगा, छोड़ दिया जाए। बहत्तर आपका होमवर्क है, ना बनेगा कल पूछ लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर तिहत्तर, तिहत्तर चला जाए। धनंजय का तो डीजे छोटा मोटा पार्टी से मानने वाला है। पांच मिनट तो बोले थे हो, अच्छा पांच मिनट बचा हुआ है, चलिए एक तिहत्तर निपटा लिया जाए। चलिए कितना टाइम हो रहा बिट्टू कुमार, ये टाइम देख रहा है तुम्हारा ही बच रहा है आठ पचपन, एक क्वेश्चन और निपटाइए। चलिए रूट थ्री टैन टू थीटा माइनस तीन बराबर जीरो, तो पूछा है कि थीटा इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, अब यहां से टैन टू थीटा रूट थ्री इसको भेजेंगे ये उधर, ठीक है, बहत्तर घर से बना करके लाना, रूट थ्री से काट लेंगे, टैन टू थीटा बराबर टैन में साठ डिग्री कहां पर होता है, सॉरी टैन में रूट थ्री कहां पर होता है, साठ पर, तो ये किसका वैल्यू है, इसके वैल्यू कितना डिग्री है, साठ डिग्री, और साठ का वैल्यू यहाँ पर कितना है, टू थीटा। सर थ्री कैसे, रूट थ्री थ्री कैसे कट गया ऐसे जो बार नीचे ना ऊपर, चलिए चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है, हाँ रूट थ्री गुना रूट, बार बार अंजलि आइए, हम तो भूल ही गए, हमारी तरफ से आपको प्राइस कल देना चाहिए, कल दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सुष्मिता बेचारी इसी बोलने के कारण नाराज हो गई। अच्छा दोस्ती अमर रहे आपकी, पढ़ाई छूटे दोस्ती ना छूटे, आगे बढ़े। चलिए आगे कंटिन्यू देखिए, टैन में रूट थ्री कितने डिग्री पर होता है, साठ डिग्री पर, और ये इसका एंगल कितना है, साठ डिग्री, मतलब टू थीटा बराबर कितना, साठ, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर तीस डिग्री। ये तनु तो शायद सोनू सर से बोली है कि आएंगे पढ़ने के लिए, देखिए कौन तनु रिकॉर्ड हो रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। चले चौहत्तर भी निपटा लिया जाए, चले चौहत्तर भी निपटा लिया जाए, लगे हाथ से सफाई मार दिया जाए, चौहत्तर हो जाएगा, चौहत्तर भी जुड़वा भाई है, पचहत्तर भी जुड़वा भाई है, चौहत्तर पचहत्तर तक पूरा दिया जाए, चले फिलहाल पचहत्तर तक आपको बना करके लाना है, पचहत्तर तक बना करके लाना है, हाँ इधर जाने दीजिए, पचहत्तर तक बना करके लाना है,